ओके हे एवरीवन, माय नेम इज सोना शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पजल दैट इज अ सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन सर्कल इन विच सम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर. दिस पजल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग आरआरबीज पीओ एंड क्लर्क एंड योर आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क. ओके सो स्टार्ट करते हैं. ये सेशन बायलिंगुअल रहेगा सो यू डू नॉट हैव टू वरी. स्टार्ट करते हैं. सो अब फर्स्ट सेंटेंस इज 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 8 व्यक्ति बैठे हैं. सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर. कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ केंद्र से विपरीत. ओके तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं. 7-8 ठीक है. सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर. अब ये जो हु है, हु के बाद जो भी बात की जाती है वो किसके बारे में होती है, जो हु के जस्ट पहले है. तो हु के जस्ट पहले कौन है, एफ. इट मींस एफ केंद्र की ओर देख रहा है. ठीक है तो एफ को कहीं भी बिठा दीजिए. कहाँ देख रहा है, इनसाइड द सेंटर. ओके सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ. एफ के राइट से थर्ड पे है सी, तो एफ का राइट विल बी हियर, तो 1 2 3 पे आ जाएगा सी. सेकेंड बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी. सी के राइट से सेकेंड पे बी है बट सी केंद्र की ओर देख रहा है या केंद्र से विपरीत ये हमें नहीं पता. तो एक काम करते हैं, क्यों ना इस फर्स्ट डायग्राम का एक कॉपी बना लेते हैं. 5 6 7 8 ओके एफ यहाँ है फेसिंग इनसाइड द सेंटर, यहाँ पे सी. एक बार मान लेते हैं कि सी केंद्र की ओर देख रहा है और एक बार मान लेते हैं कि सी केंद्र से विपरीत देख रहा है. ठीक है ओके तो यहाँ पे बोल रहे हैं बी से सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी का राइट यहाँ जाएगा तो बी आ जाएगा यहाँ पे और सी का राइट इधर जाएगा इधर 1 2 पे आ जाएगा बी. बी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई. आई के लेफ्ट से थर्ड पे बैठा है बी. आई के लेफ्ट से थर्ड पे है बी. ओके इट मीन्स आई और बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 2. 2 पर्सन विल बी देयर. ओके सो चलिए आइए फर्स्ट वाले में देखते हैं. 1 2 छोड़ के आई के लिए यहाँ पे नहीं है ना वैकेंट स्पेस, इट मीन्स आई यहाँ पे नहीं आएगा तो आई बी के इस साइड ही आएगा. 1 2 छोड़ के आई की पोजीशन हो गई कंफर्म. अब इस वाले डायग्राम पे आइए 1 बी पे. ठीक है 1 2 छोड़ के आई यहाँ पे भी हो सकता है और 1 2 छोड़ के आई यहाँ पे भी हो सकता है तो दोनों जगह ले लेते हैं. इसी डायग्राम का, इस 1 बी का मैं एक और कॉपी बना रही हूँ. ओके F, B, C, ठीक है एक बार मान लिया I यहाँ पे है और एक बार मान लिया I यहाँ पे है. अब I के लेफ्ट से थर्ड पे B है तो I के लेफ्ट से थर्ड पे B कब आएगा, जब यहाँ पे I देख रहा होगा केंद्र से विपरीत आउटसाइड द सेंटर, तो 1 2 3 पे भी आ जाएगा. इधर आइए I सेकेंड वाले डायग्राम में कहाँ देख रहा होगा, बाहर देख रहा होगा ना, तभी तो 1 2 3 पे भी आएगा I के लेफ्ट से थर्ड पे भी. अब I यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, इसे हम दे देते हैं 1 बी का ही एक कॉपी है. ठीक है तो I का लेफ्ट कहाँ लूँ मैं, I जब केंद्र की ओर देखेगा तभी तो I का लेफ्ट इधर जाएगा, तो 1 2 3 थर्ड पे B आ गया. ठीक है तो तीनों ही केसेस में हमने ये वाला बिठा दिया है. आगे देखते हैं ए सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी. सी के लेफ्ट से सेकेंड पे ए. ठीक है सी का लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर, क्योंकि सी इनसाइड द सेंटर देख रहा है. ए यहाँ आ जाएगा, सी इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर तो सी का लेफ्ट इधर होगा, ए इधर आ जाएगा, सी का लेफ्ट इधर जाएगा तो 1 2 सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा ए. बोथ जी एंड डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर. G और D एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहे हैं तो साइड में नोट कर लीजिए. G एंड D इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहे हैं एक दूसरे के. अच्छा तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, G के लेफ्ट में D और D के लेफ्ट में G, इट मींस ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में देख रहे होंगे. मतलब अगर G इनसाइड द सेंटर देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो D केंद्र से विपरीत देखेगा, तभी D के लेफ्ट में G बैठेगा और G के लेफ्ट में D बैठेगा. ठीक है चलिए आगे करते हैं.
अच्छा तो ये जी और डी के लिए हमें, बिकॉज दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, इट मीन्स ये एक दूसरे के नेबर हैं। अब ये नेबर है तो ये हमेशा एक साथ ही बैठेंगे, जी के इमीजिएट लेफ्ट में डी और डी के इमीजिएट लेफ्ट में जी, तो हमें दो वैकेंट प्लेसेस देखनी होगी ना। तो आ जाइए फर्स्ट ए पे, यहाँ पे कौन सी ऐसी स्पेस दिख रही है जहाँ पे दो वैकेंट प्लेस है, दो खाली एक साथ, ठीक है। तो देखिए ये और ये, तो जी और डी यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आइए इस वाले में, देखिए ऐसी दो प्लेस चाहिए जो वैकेंट हो, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर बैठे हैं ना इसलिए। तो यहाँ पे तो हमें कोई भी दो पोजीशंस, दो प्लेसेस एक साथ नहीं दिख रही है वैकेंट, इट मीन्स ये वाले डायग्राम कैंसल हो जाएगा बिकॉज ये इस वाली हमारी इंफॉर्मेशन को सेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। थर्ड पे आइए, दो प्लेसेस वैकेंट चाहिए, इमीडिएट नेबर्स, हाँ ये है, इट मीन्स जी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। अभी हमें कंफर्म नहीं पता, हमने पॉसिबिलिटी में ले लिया। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ए वन टू, छोड़ के ई यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ए के इस साइड देखिए, वन टू, तो ई की हो गई पोजिशन कन्फर्म, सॉरी। हाँ अब इस वाले पे आइए, ए यहाँ पे है, वन टू छोड़ के ई यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज पहले से एफ है यहाँ पे, तो ए के इस साइड देखिए, वन टू, तो ई की यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी पोजीशन, ओके। नेक्स्ट, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज डी, अब ये बोल रहे हैं कि बी का जो डायरेक्शन है वो सेम है जो डी का है, मतलब जहाँ डी देख रहा है वहाँ ही बी देखेगा, बट अपोजिट टू आई। अच्छा ये जो बट होता है ना, बट एंड या फिर और, अगर आपको ये कंजंक्शन मिल जाता है तो इसके बाद जो भी बात की जाती है वो सबसे पहले वाले एलिमेंट के बारे में की जाती है, इट मीन्स बी के बारे में हो रही है। बी डी जिस दिशा में देख रहा है उसी दिशा में बी देख रहा है, मतलब अगर बी डी अंदर देख रहा है तो बी भी अंदर देखेगा, ठीक है, बट अपोजिट टू आई, लेकिन आई से विपरीत देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ कि आई अगर अंदर देखेगा तो बी और डी बाहर देखेंगे, ठीक है। तो आई की डायरेक्शन तो हमें पता है दोनों में, तो हम बी की भी निकाल लेंगे ना। चलिए करते हैं, इसमें आई देख रहा है आउटसाइड द सेंटर, तो बी देखेगा इनसाइड द सेंटर, है ना। इसमें आई देख रहा है इनसाइड द सेंटर, तो बी देखेगा आउटसाइड द सेंटर, यही बोला है ना। और एक और बात हमें पता है कि जहां बी देख रहा है वैसे ही डी देखेगा, ठीक है, मतलब डी भी देखेगा इस वाले में अंदर, और डी के इमीजिएट लेफ्ट में जी आएगा, तो जब डी यहाँ बैठेगा तभी उसका इमीजिएट लेफ्ट ये बनेगा और यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी की पोजीशन हो गई कंफर्म और जी की पोजीशन भी हो गई कंफर्म। अब हमें ये पता है डी के इमीजिएट लेफ्ट में जी बैठा है और जी के इमीजिएट लेफ्ट में डी, इसलिए जी को बोलेंगे कि ये देख रहा है बाहर। इस वाले में आइए, बी बाहर देख रहा है ना, इट मीन्स डी भी बाहर देखेगा, तो जब मैं डी को यहाँ बिठाऊंगी तभी डी के इमीजिएट लेफ्ट में जी बैठ पाएगा और जी की पोजीशन और डी की पोजीशन हो जाएगी कंफर्म। अब जी के इमीजिएट लेफ्ट में डी कब आएगा, जब जी देखेगा केंद्र की ओर, ठीक है। आगे चलते हैं, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से सेकेंड पे है जी, तो ए का लेफ्ट या तो इधर जाएगा क्योंकि ए कहाँ देख रहा है हमें नहीं पता, ठीक है, या तो इसका लेफ्ट इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। वन टू छोड़ के जी यहाँ पे नहीं है, इस साइड देखिए, वन टू छोड़ के जी यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स ये वाला केस हो गया हमारा गलत। तो कंटिन्यू करेंगे हम ये वाला केस और इस ये ही हमें सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। ए के लेफ्ट से सेकंड पे है जी, तो ए का लेफ्ट, अच्छा ए जब बाहर देखेगा केंद्र से विपरीत तभी तो ए का लेफ्ट इधर जाएगा ना, और वन टू सेकेंड पे आ जाएगा जी, तो ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गया सेट। लास्ट, जी एंड ई फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओके, जी और ई सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे जी अंदर केंद्र की ओर देख रहा है,
तो ई भी केंद्र की ओर देखेगा, बट अपोजिट टू सी, बट सी से विपरीत देख रहे हैं। हाँ, जी अंदर देख रहा है, ई अंदर देख रहा है और सी देख रहा है बाहर। तो ये वाला डायग्राम हो गया हमारा बिल्कुल राइट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा विजिबल नहीं है शायद, हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट से थर्ड पे जो बैठा है उसके अपोजिट कौन बैठा है? डी कहाँ है? ये डी का लेफ्ट जाएगा इधर, 1 2 3, बी बैठा है और बी के अपोजिट कौन बैठा है? ए। सो ए विल बी अवर आंसर। यहाँ पे ए गिवन नहीं है, इट मीन्स नन ऑफ दीज। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एफ, एफ को कौन देख रहा है? तो एफ कहाँ है? ये है, और एफ इज फेसिंग टू आई, आई को देख रहा है एफ, तो आई विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू एफ। सी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे जब हम एफ के साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे? ठीक है, देखते हैं। एफ यहाँ है, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है, तो क्लॉक ऐसे ही चलेगी ना। ठीक है, एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सी ये है, एफ ये है, तो 1 2 3 4, 4 पर्सन आ दिया, सो 4 विल बी आवर आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ आई इज रिलेटेड टू एफ, ओके, सी इज रिलेटेड टू जी, सो डी किससे रिलेट करेगा? If I is related to F, यदि ये I इस F से relate करे और C इस G से relate करे, मतलब जो opposite बैठे हैं उसके बारे में बात हो रही है, F के opposite I बैठा है और C के opposite G, तो D किससे relate करेगा? तो D के opposite कौन बैठा है? E, so D relate करेगा E से, E will be our answer। यहाँ पे fifth option कर लीजिए E, and this is the correct one। Next, who among the following sits immediate right of E? E के एकदम दाए कौन बैठेगा? E ये है, E का एकदम दाया आएगा ये, मतलब C, तो C बैठेगा E के एकदम दाए, C will be your answer। Okay, thank you। If you like my videos and want more videos like this, then please like, share and subscribe। Thank you।